अस्सलाम वालेकुम, कैसी रही ईद? एक रिश्तेदारों के यहाँ तो जलील हो के तीसरे दिन इस वक्त तक बंदा अजीब सी मस्ती में आ चुका होता है। तो मैंने सोचा एक जायज़ा लिया जाए कि कैसे कैसे लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है, ईद पर एक वीडियो बनाई जाए। आए देखते हैं। ईद के दिन अक्सर जिन लोगों से आपका सबसे पहले वास्ता पड़ता है वो अर्ली राइजर्स एंड शाइनर्स होते हैं, जो कुकड़ की पहली बांग से भी पहले उठ पड़ते हैं और आपके पीछे करने से पहले ही आपके घर पहुंच जाते हैं, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि आप लेट हैं। ओ माय गॉड, आप लोग अभी तक रेडी नहीं हुए? मैं तो सुबह सुबह उठ के वेकअप बच्चों को किया, उसके बाद उनको बाथ दिलाया, फिर मैंने कुकिंग की, तो खा पी किया। मैंने कहा पता नहीं वहां से तो कुछ मिलना ही नहीं मिलना, वो तो सो ही रहे होंगे अभी तक। ईद वाले दिन तो उठ जाया करो। बस तैयार होने ही लगे थे, अब नहाने ही जा रही थी मैं। नहीं, सेवइयां तो हमने भी रात को बना ली थी। सॉरी, रात का पड़ा हुआ था, मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, तो सुबह उठ के फ्रेश कुक करती हूँ। आजकल गर्मी भी इतनी है, उनका स्टमक अपसेट हो जाता है, यू नो। ये बात शुरू होती है एक लंबी लिस्ट उन लोगों की जिनको आपकी ज़िंदगी में आपसे कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। आपके बच्चे ने बोलना शुरू किया है कि नहीं शुरू किया? आपका वज़न क्यों बढ़ रहा है? कोई गुड न्यूज़ है? कोई बैड न्यूज़ है? ओह माय गॉड, व्हाट डू यू मीन ही डजंट टॉक? ही मस्ट बी 18 months नाउ। मेरा बेटा तो इस एज में ठीक ठाक बातें करता था। किसी डॉक्टर को चेक करवाया आप लोगों ने? व्हाई डजंट ही टॉक? मैंने डॉक्टर को चेक कराया, वो कह रहे थे कि बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ बच्चे थोड़ा लेट भी बोलते हैं जी, स्लो होते हैं। आपका बच्चा तो माशाल्लाह गालिब पढ़ पढ़ के सुनाता है, आई नो। माशाल्लाह, लगता है ईद की रमजान में बाबा पकौड़े खाए हैं मेरे बेटे ने, टिड्डी बाहर निकली हुई है। कोई गुड न्यूज़ तो नहीं है? हाँ, शर्ट में लगी हूँ शायद, थोड़ी खुली है ना। रमजान से पहले तो तुम्हारा चेहरा साफ था, रंग को क्या किया है? फेशियल नहीं कराया इस दफा? दाने इतने निकाले हुए हैं, फैटी चीजें खाती रही हो। वो एक एक दाना निकल आया था, कल ही निकला है बस। आपको पता ना, ईद पे किसी फंक्शन से पहले एक दाना जरूर निकलना होता है, कुत्ता दाना। कहते तो आप जी वही है, नए नहीं लिए मैंने, मैं गरीब हूं। और एंड पे आते हैं अंकलों के वो हसीन लड़के जिनको आप ईद पे बड़ी अदा से विश करते हैं, और वो बचपन के आपके निकनेम से आपको बुला के आपका सारा मजाक किरकिरा कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक बबलू, क्या हाल है बच्चा? चाय बन गई, अंदर आके पी मर लो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो, एंड कीप वॉचिंग। रिमेंबर, जज लेस, लव मोर। ईद मुबारक।